नहीं मतलब कोई मतलब क्या है धीरे धीरे क्या मतलब एक बार आया था उसको हुआ था एक बार ऐसा मतलब वो एक बार मतलब फूला वो फिर मतलब नॉर्मल हो गया फिर ऐसे 2-3 बार हुआ अब के बाद 6-7 महीने दूसरी से साइड में नहीं हुआ कुछ नहीं होता ये। बिल्कुल कुछ ओके, तो अलग से दिखता है ये, है नहीं से दिखते अजीब हैं सा दिखता है। ओके, सो ये वन साइडेड गायनेकोमेस्टिया, देखिए जो गायनेकोमेस्टिया में क्या क्या चेंजेस होते हैं तो हमें क्लियरली पता चलेगा। एक तो जो है ये देखें, अगर हम यहाँ का निपल एरोला देखें और ये वाला देखें तो ये देखिए कितना अंदर है, तो ये बाहर की तरफ आता है। ओके, सो फर्स्ट साइन ये है कि निपल एरोला जो है प्रोट्यूड होता है। अभी हम ध्यान से ये डायमीटर देखेंगे, ये एरोला का डायमीटर देखेंगे, तो ये वाला देखिए नॉर्मल है एंड यहाँ देखिए ये कितना बड़ा है। ठीक है, सो दूसरा डिफरेंस ये है। सेकेंड, हम थर्ड जो है, अगर हम चेस्ट को फ्रंट साइड से भी देखते हैं तो ये काफी जो है बल्ज आउट लगता है, फूला हुआ लगता है एज कम्पेयर टू ये जहां पर कुछ नहीं है। ठीक है, एंड थर्ड फोर्थ जो है, अगर हम यहाँ पे फील करेंगे एक ये फिंगर और ये इसके बीच में फील करेंगे ये, अब यहाँ पे कुछ दर्द होता है थोड़ा सा, थोड़ा दबाए दर्द थोड़ा दबाते तो पता चलता है, गांठ जैसा फील होता हाँ है। गार्ड से सो ये निप्पल एरियोला के पास में जो है ये लंप फील होता है। सो ये फोर्थ साइन है। एंड निप्पल जैसा मैंने बताया, तो निप्पल बाहर की तरफ प्रोट्यूड होता है, सो वो टी शर्ट वगैरह में भी पॉप आउट होता है। एंड अभी हम निप्पल की पोजीशन देखेंगे, ये नीचे की तरफ है ये जो निप्पल की पोजीशन, और ये देखिए ये नीचे ऐसे पॉइंटेड कर रहा है और ये नॉर्मल है, तो ये एक साइन है। सो हमें क्लासिकल जो जो साइन रहते हैं, बेसिकली ये लंप है, ग्लैंड और टिश्यू है, सो इनको लिटिल फैट है ही नहीं बॉडी के अंदर, तो फैट यहाँ पर भी नहीं है। तो क्लासिकल गायनोकोमेस्टिया कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, नॉर्मल और एक नॉर्मल चेस्ट ऐसी होती है देखिए, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसे ये शेप लेती है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये मसल्स हैं पेक्टोरिस मेजर, ये यहाँ पे इस रीजन में रहती है ये वाले में, और यहाँ से कर्व देती है। नॉर्मली भी जो है हमारी जो निप्पल रहता है वो ऐसे अंदर की तरफ नहीं रहता, थोड़ा बहुत प्रोट्यूड करता है, लेकिन जहां पर भी गायनेकोमेस्टिया होता है तो ये देखिए कैसे बड़ा साइज हो जाता है, पफिनेस आ जाती है और जो है ये नीचे की तरफ ड्रूप करने लगता है, नीचे की तरफ गिरने लगता है। सेकेंड, बहुत ज्यादा अगर फैट रहता है तो ये और नीचे आ जाता है। सो ये वन साइडेड गायनेकोमेस्टिया अराउंड 20-30, लेस देन 10-20% में होता है। सो इनको वन साइडेड है, बाकी देखिए इनका वेट एब्सोल्युटली नॉर्मल है, फैट कहीं पर नहीं है, फिर भी गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। सो ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल वेट पर्सन को गायनेकोमेस्टिया नहीं होगा। तो आपने कुछ ट्राई किया इसको कम करने के लिए, कुछ नहीं कैसे पता चला कि ये गायनेकोमेस्टिया? मैंने यूट्यूब पे रिसर्च किया था 2-3 बार हर साइड देखा होता है इसके बारे में तो ये मतलब आपका जरा वीडियो देखा था उसमें पता चला है, इससे पहले नहीं पता था मैंने इसके। बहुत दिन देखे थे उसको प्रॉब्लम थी कि जो मार्क पड़ जाता ना मार्क का एक वीडियो देखा था उसमें मार्क का मतलब पूरा मतलब मार्क नहीं 99 चाहिए था। ठीक है, सो इसमें मेनली ग्लैंड रिमूवल है, सो हम ये ग्लैंड रिमूव कर देंगे। ठीक है।